सॉलिड, लिक्विड और गैस या ठोस, द्रव और गैस। आपने पदार्थ की इन तीन अवस्थाओं को जरूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि मैटर यानी द्रव्य की एक चौथी अवस्था भी होती है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इस वीडियो में हम प्लाज्मा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम बर्फ से अपना विचार शुरू करते हैं। बर्फ को जब गर्म किया जाता है तो ये पिघल के पानी बन जाता है। यहाँ पे बर्फ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ है। आप जानते ही होंगे कि ठोसों में कण एक दूसरे के बहुत पास पास एक निश्चित जगह पर रहते हैं, इसलिए उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव के कण भी इतने पास होते हैं कि वो एक दूसरे को छूते रहते हैं। हालांकि उनकी स्थिति लगातार बदलती रहती है, इसलिए द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार भी वैसा ही हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो इसकी अवस्था किस तरह बदलेगी? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। इसका जवाब यह है कि पानी भाप या गैस में बदल जाएगा। गैसों के कण ठोसों और द्रवों की अपेक्षा एक दूसरे से और दूर दूर होते हैं और इनका आयतन और आकार वैसा ही हो जाता है जिस बर्तन में ये रखे जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गैसीय अवस्था को अगर गर्म किया जाए तो उनकी अवस्था भी बदल जाती है। ऐसे पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव की चौथी अवस्था में जा सकते हैं। द्रव की इसी चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। किसी पदार्थ को प्लाज्मा में बदलने के लिए हमें उसे बड़ी मात्रा में हीट या ऊष्मा देनी पड़ती है। पदार्थ को अत्यधिक ऊष्मा देने पे एटम्स यानी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का एक समूह मिल जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर मात्रा में होने के कारण प्लाज्मा का कुल आवेश न्यूट्रल या उदासीन होता है। प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है और इसीलिए ये गैसों से अलग हैं। सभी गैसें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती, जबकि प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। आकाशीय बिजली और नदन लाइट्स प्राकृतिक प्लाज्मा के उदाहरण हैं। पृथ्वी से दूरस्थ बहुत से तारों की अवस्था प्लाज्मा होती है। वास्तव में तारे प्लाज्मा का एक गर्म गोला है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली ट्यूबलाइट्स और नियॉन शाइन बोर्ड की मरकरी वेपर्स से विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उसका तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमें प्लाज्मा मिलता है। पदार्थ की इसी अवस्था के कारण प्लाज्मा स्क्रीन टेलीविजन संभव हो पाया है। प्लाज्मा स्क्रीन टीवी हजारों छोटे छोटे बिंदुओं से बना होता है। इन बिंदुओं को पिक्सल्स कहा जाता है। ये फ्लोरोसेंट लाइट इलेक्ट्रोड से बने होते हैं जो लाल, हरा और नीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन तीनों रंगों के संयोग से ही कोई भी रंग बनाया जा सकता है। यही कारण है कि हमें टीवी स्क्रीन पे अनेकों रंग दिखाई पड़ते हैं। पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे डेफिनेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी, जिससे टीवी स्क्रीन पे दिखाई देने वाले चित्र उतने